कृषि कानून के खिलाफ देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब और हरियाणा में दिखाई दे रहा है। हरियाणा में तो सरकार भी बीजेपी की है, इसीलिए किसानों का गुस्सा राज्य में सत्ताधारी पार्टी के विधायकों पर निकल रहा है। बीजेपी और उसकी सहयोगी जेजेपी के विधायकों से कहा जा रहा है कि वो गाँव में न आए। तो क्यों विधायकों को गाँव न आने की दी जा रही है चेतावनी और क्यों इससे परेशान है जेजेपी के विधायक, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश भर में किसान आंदोलन की मांग भले ही सरकार नहीं मान रही हो, लेकिन हरियाणा के गांवों से लेकर राज्य की विधानसभा तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है, जिससे राज्य की खट्टर सरकार मुश्किल में दिख रही है। जेजेपी विधायक जबरदस्त दबाव में दिख रहे हैं। अधिकांश विधायक तो साफ कर चुके हैं कि वो किसानों के साथ हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के समय वो विपक्ष का साथ दे सकते हैं, क्योंकि किसानों का विधायकों पर दबाव है कि खट्टर सरकार के खिलाफ आने वाले अविश्वास प्रस्ताव का विधायक समर्थन करें। विधायक विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का, जब तक वो केंद्र सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, केंद्र किसानों की बात नहीं सुनेगा और किसानों के दबाव का असर भी दिख रहा है। जेजेपी विधायक बबली देवेंद्रम का कहना है कि विधायकों का सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। आज जब हम गांव में निकलते हैं तो फोन आते हैं कि भाई साहब गांव मत आना, जबकि हमारा एक सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम है या समाज के शादियों में आना जाना है। हम कहते हैं कि भाई आप हमें न्योता ही नहीं देना चाहते या हमारी सामाजिक और राजनीतिक ड्यूटी नहीं निभाने देना चाहते, तो हम नहीं आएंगे। समस्या तो है, समस्या है और खास तौर पर उन विधायकों के लिए ये बड़ी समस्या है जो राज्य सरकार का समर्थन कर रहे हैं। बबली खुद किसान है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के करीबी भी हैं, इसलिए उनके लिए फैसला लेना मुश्किल हो रहा है। जेजेपी के 10 में से 7 विधायक किसानों के आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव में यदि विधायकों ने सरकार का साथ छोड़ा तो खट्टर सरकार की विदाई भी हो सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।